हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर और स्वागत है आपका ओला वाले वीडियो में। ओला में आज अपन बात करेंगे कि 100 किलोमीटर मैंने चला ली है तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई है अभी तक। तो आइए अपन चलते हैं अपनी स्कूटर पर, जहां पर आपको पता चलेगा कि 101, 102, 103 जो भी है अबाव 100 किलोमीटर अपन ने चला ली है और इसमें क्या प्रॉब्लम आई है। तो मैं वो प्रॉब्लम बताऊँगा जो कि आपने जो वीडियो में देखा होगा कि मेरे साथ एक भाई ने ओढ़ ली थी, उसके भी यही प्रॉब्लम आ रही है, मेरे भी यही प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरे कभी ठीक हो जाती है, कभी ख़राब हो जाती है। तो आइए अपन चलते हैं अपनी प्रॉब्लम के ऊपर, जो मैं करके बताता हूँ आपको, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देख सकते हैं ये है अपनी ओला, चुपचाप खड़ी है। अपन ऑन करते हैं और आप देख सकते हैं 104 किलोमीटर, 104 किलोमीटर ये चल चुकी है और अभी नॉर्मल मोड में 91% से 90 किलोमीटर चलेगी। तो नॉर्मल मोड में आप देख लिए रेंज बहुत कम आ रही है, जबकि 1 किलोमीटर अबव दिखाती है। तो उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम आ रही है और मेरे जो साथ में एक भाई ने ली थी उसके भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि अपन जब चलते रहते हैं, जैसे अपन चले आगे फॉरवर्ड किया, लेकिन अपन रोकने के लिए जैसे अपन वापस इसको रिवर्स करते हैं तो मोटर उसको टायर को बिल्कुल जाम कर देती है और मतलब ब्रेकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने को। और इसको जब रिवर्स में करते हैं तब एक ब्रेकिंग लगती है, ब्रेक लगते हैं, तो वो चीज़ मेरे साथ कभी कभी हो रही है और कभी कभी नहीं हो रही है। तो क्या आपके साथ भी ये की वेरिएंट है? ओला S1X 3 किलोवाट बैटरी वाला की वेरिएंट है, आप देख सकते हैं की। तो इस चीज़ में आपको भी प्रॉब्लम हो रही है या फिर मेरे को ही प्रॉब्लम हो रही है? मेरे जो दोस्त है उसको तो हो रही है और मेरे को भी हो रही है, लेकिन मेरा कभी सही हो जाता है, कभी ख़राब हो जाता है। अभी 2 दिन से नहीं काम कर रहा है लेकिन पहले कर रहा था। तो ये चीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और इसका क्या उपाय है वो भी बताएं। थैंक यू।